हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयरन मैन से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो में बहुत बड़ा स्पॉइलर होने वाला है, तो सबको पहले स्पॉइलर वार्निंग, जिसको भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं जानना है तो इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाकी मूवी मई के बाद देखना जब भाई की याद आएगी तुम्हें। तो फाइनली देखो, मैंने जब से इंस्टाग्राम पे ये डाला है कि भाई टॉम क्रूज कंफर्म फॉर आयरन मैन के लिए, इतने सारे मैसेज आने लग गए कि भाई चल गया रहा है, कहां से कंफर्मेशन हुई। तो देखो, वो तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो मेरी लीक्स हैं, क्योंकि मैं अपने YouTube के एजी मीडिया न्यूज के इतिहास पर, आप मेरे YouTube चैनल पर वीडियोस देखोगे इन्फिनिटी वॉर के टाइम से लेके, जिसमें कि मैंने ट्रेलर की कंफर्मेशन, कैरेक्टर की कंफर्मेशन, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या क्या होने वाला, एग्जिट सीन, कैरेक्टर वगैरह, काफी सारी चीजें कंफर्म करी हैं। ऐसे ही आज का दिन है टॉम क्रूज भाई से रिलेटेड। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है ऑफिशियली कि स्पाइडरमैन, देखो ऑफिशियली तो नहीं, मेरी तरफ से कंफर्म हो चुका है, मैं अपना ऑफिशियली तरफ से कंफर्म कर रहा हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आपको टॉम क्रूज एस आयरन मैन कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे। छोटा सा कैमियो होने वाला है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होने वाला है आयरन मैन का, डिफरेंट वेरिएंट का होगा, ना कि आरडीजे वाला कैरेक्टर, ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टर होगा, डिफरेंट यूनिवर्स है, डिफरेंट वेरिएंट होगा, काफी पावरफुल सूट देखने को मिलेंगे। इस वाले टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी थैनोस को मार दिया था एंड गेम के इवेंट में अपने यूनिवर्स में, देन उसके बाद वो और भी ज्यादा खतरनाक होता गया, अपने सूटों के साथ एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने बंद बिल्कुल भी नहीं करा, और उसी के साथ हमें उसका काफी पावरफुल सूट देखने को मिलेगा। यहां तक तो आपने अपडेट सुना होगा, पर ये सारे रूमर्स थे, पर आज के दिन ये कंफर्म हो जाता है। आज 2 फरवरी है और मई में मूवी रिलीज होने वाली है, भैया आज के दिन कंफर्म हो गया कि टॉम क्रूज आपको आयरन मैन में देखने को मिलेंगे डिफरेंट वेरिएंट में। तो मुझे लगता है कि शायद काफी फैंस खुश हो गए होंगे और काफी फैंस नाराज भी होंगे कि भाई इसने तो मजा खराब कर दिया, थिएटर में देखने में ही ज्यादा मजा आता। तो मैंने देखो पहली स्पॉइलर वार्निंग दे दी थी, फिर भी कमेंट सेक्शन में मत लिखना। पर उसी के साथ जो है डाई हार्ड फैन है उनको क्या फर्क ही पड़ रहा है, तो वो तो और ज्यादा मुझे लगता है कि एक्साइटेड हो गए होंगे मेरी ये न्यूज सुनकर, क्योंकि अब वो थिएटर में टिकट करने के लिए पहले से ही तैयार है, और एडवांस में टिकट जरूर कर लेना क्योंकि भाई टॉम क्रूज आ रहा है एज आयरन मैन। पता नहीं कैसा सीन होगा कमाल का वो थिएटर में, मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अभी से ही। और उसके साथ अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना प्यारे प्यारे कमेंट, जिससे कि मैं हार्ट दे सकूंगा आपको, और कमेंट को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, और उसी के साथ चैनल पे नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस आज के मजे इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जा रहा हूँ।